आज हम लोग टर्मरिक कोकोनट सोप देखने वाले हैं। इससे हमारी स्किन स्मूथ होती है और एंटी फंगल्स के इन्फेक्शंस भी नहीं होते। डबल बॉयलर में सोप बेस में मेल्ट करके ले रही हूँ। मैंने आधा कटोरी नारियल का चूरा लिया हुआ है, ये सूखा है बिल्कुल। डेसिकेटेड कोकोनट भी आप ले सकते हो। जब इतना सोप बेस मेल्ट हो जाए इसमें ये चूरा ऐड कीजिएगा। अभी ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें आपको अगर इसेंशियल ऑयल ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, मैंने कोई इसेंशियल ऑयल ऐड नहीं किया हुआ है। बस अभी ये अच्छे से पूरा मेल्ट होने के बाद हमें इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करनी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारी गांव की हल्दी है, तो ये बिल्कुल शुद्ध हल्दी है। मैं एक चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ, ये छोटा चम्मच है। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। अगर आपको और चाहिए हल्दी तो और आप एक चम्मच ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने गैस बंद करके लिया हुआ है और सिर्फ अभी ये मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैं और थोड़ी हल्दी ऐड कर रही हूँ। मुझे कलर और डार्क चाहिए था और टर्मरिक पाउडर शुद्ध होने के कारण इसमें हमें कोई हानिकारक नहीं होने वाला है। तो अब ये मिक्स होने के बाद बिल्कुल सही से बन चुका है। ये देखिए अच्छे से रंग भी आ गया है और हमारा ये सोप का मिश्रण पूरी तरह तैयार है। अभी मैं इसे मोल्ड में निकाल के ले रही हूँ। ये मैंने मोल्ड में निकाल के ले लिया है। ये रोज शेप का देखिए ऐसे मोल्ड है। अभी इसे 15 मिनट के लिए ठंडा करना है। ये मैंने ठंडा करके ले लिया है। देखिए कितनी आसानी से ये साबुन बाहर आ रहा है। तो हमारा साबुन यहाँ पे बनके तैयार है। देखिए इससे आपको पिंपल्स के प्रॉब्लम नहीं होंगे, स्किन बिल्कुल स्मूथ होगी। तो आपको ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें।